नमस्कार। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सत्ता को लेकर जो पूरी हिंदुस्तान की जनता को जिस दिन का इंतजार था वो कहीं ना कहीं अब आता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, उद्धव ठाकरे और संजय राउत इस कदर मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना चुके थे जिसे देखकर हजारों सैनिक शिवसैनिकों ने जो शिवसेना को छोड़ दिया, शिवसेना को त्यागना शुरू कर दिया और शिवसेना का नाम जिस तरह से उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने मिलकर के मिट्टी में मिला दिया, यानी कुल मिलाकर के हिंदुत्व के सिद्धांतों पर चलने वाली शिवसेना अब मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना चुकी थी, इस बात को शिवसैनिकों ने मानना शुरू कर दिया था और कयास लगाए जा रहे थे कि अलग अलग दो अलग अलग विचारधाराओं पर चलने वाली कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तीन पहियों वाली सरकार है, ये ज़्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाएगी। और बड़े बड़े कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि आज ना तो कल पक्का ये सरकार गिरेगी। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे, संजय राउत, वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर के, हिंदुत्व मुक्त भारत जैसे मुद्दे को लेकर के, एएमयू की धरती पर वीर सावरकर और हिंदुत्व की कब्र खुदेगी ऐसे नारों को लेकर के, और जिस तरह से राहुल गांधी ने राहुल बचाओ रैली के अंतर्गत वीर सावरकर पर तंज कसा उसको लेकर के, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, संजय राउत चुपचाप बैठे थे, कांग्रेस पर किसी भी तरह का हमला करने के मूड में नहीं थे। लेकिन आज जो खबर आई उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से, वो महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता को चौंका देने वाली आई है। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि अब शिवसेना है वो एनडीए का ही हिस्सा रहेगी, यूपीए में कभी भी नहीं जाएगी। यानी शिवसेना के उद्धव ठाकरे सहित संजय राउत ने अपने सामना पत्र में बोला है, बयान दिया है कि शिवसेना जो है वो एनडीए का हिस्सा है, ना कि यूपीए का। दिल्ली में हम एनडीए के साथ हैं, पहले थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, उनके एनडीए के साथ ही खड़े रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बनाई गई वो अनेक ऐसे कारण थे जिनकी वजह से हमें एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी, क्योंकि उद्धव ठाकरे समझ चुके थे कि हजारों शिवसैनिक हैं वो शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, हिंदुत्व के सिद्धांतों को अपनाए हुए प्रत्येक नागरिक महाराष्ट्र का अब निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ जा चुका है। इस तरह का माहौल देखने के बाद, परखने के बाद, समझने के बाद उद्धव ठाकरे ने एक समझाइश वाला काम किया और सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के बयान दिया कि हम यूपीए के हिस्सा कभी भी नहीं बनेंगे। जिस तरह से लोकसभा के अंदर नागरिकता संशोधन विधेयक है वो पेश किया गया तो शिवसेना के 18 सांसदों ने इसके पक्ष में वोटिंग की या निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ गए, और तीन जो सांसद थे राज्यसभा के अंदर शिवसेना के, उन्होंने वॉकआउट कर लिया या निश्चित तौर पर बीजेपी को समर्थन करने वाला कदम है वो उठाया, अमित शाह को सपोर्ट करने वाला कदम उठाया। लेकिन वीर सावरकर जैसे मुद्दों को लेकर के, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से उद्धव ठाकरे चुप थे, जिस तरह से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, उसको लेकर के शिवसैनिकों में रोष है वो जरूर व्याप्त है, अभी भी है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बयान दिया है कि हम यूपीए के हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि नागरिकता संशोधन कानून जो लाया गया है उसके अंतर्गत किसी की भी नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून लोगों को 2014 तक जो शरणार्थी आ चुके हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, उनको नागरिकता सौंपने का, यानी उनको नागरिकता देने का, भारतीय नागरिकता देने का जो कानून है वो बनाया गया है। हालांकि कांग्रेस इस पूरे कानून पर भ्रम फैला रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, राष्ट्र विरोधी नेता हैं जैसे कन्हैया लाल, इनके समर्थक, वो कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहे हैं सरकार के प्रति, क्योंकि आगे चुनाव हैं दिल्ली के अंदर और वोट बैंक की राजनीति यहाँ कांग्रेस करने जा रही है। मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को बोला जा रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से, कन्हैया लाल जैसे नेताओं की तरफ से, कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी और आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नागरिकता संशोधन बिल जो लाया गया, नागरिकता संशोधन जो कानून बना है, उसमें लोगों को नागरिकता सौंपने का कानून है वो बनाया गया है। 2014 तक जो लोग आ चुके हैं इंडिया के अंदर शरणार्थी, उनको जरूर यहाँ पर नागरिकता देने का नियम है वो बनाया गया, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको बख्शा भी नहीं जाएगा, इस तरह का बयान भी अमित शाह ने बिल्कुल दे दिया है, और जो बिल्कुल जायज़ है। आज आप कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ के लोग आपको नहीं रखते,
बिल्कुल वहाँ पर रहना पड़ता है, उनके नियमों का पालन करना पड़ता है, वो एक टारगेट देते हैं, उस टारगेट तक वहाँ रहना पड़ता है, उसके बाद ही आपको विदेशों के अंदर नागरिकता मिलती है। तो वही नियम अब हिंदुस्तान में लागू हो रहा है, तो कांग्रेस ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा और आम आदमी पार्टी के समर्थकों के द्वारा, राष्ट्र विरोधी पार्टियों के समर्थकों के द्वारा, और बताया ये भी जा रहा है कि उल्फा आतंकी संगठन की तरफ से हथियार भी मुहैया कराने का काम किया गया है। यानी जो कांग्रेस के समर्थक थे या जो भी थे, यानी छात्र छात्राओं को जामिया मस्जिद के MU के जो छात्र छात्राएं हैं उनको मोहरा बना करके ये कांग्रेस है वो उपद्रव है वो फैलाना चाहती है हिंदुस्तान के अंदर। हालांकि कांग्रेस खुद 2011 के अंदर इसी नागरिकता संशोधन नियम को लेकर के आई थी, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत नहीं हो पाने के कारण कांग्रेस इस नियम को लागू नहीं कर पाई थी। और आज सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस की खुद इस बिल का विरोध कर रही है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से जो कांग्रेस के नेताओं द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अमित शाह ने भी अपील की है हिंदुस्तान से कि आप इस कानून को समझें। जिस तरह से आज तक न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इंटरव्यू लिए, वहाँ पर जो संगठन में वहाँ मौजूद थे उपद्रवी, उनसे इंटरव्यू लिए, पूछा गया कि ये है क्या, CAA बिल है वो है क्या, तो उन्होंने बोला कि हमें तो बाहर निकाल दिया जाएगा, हमारी नागरिकता है, भारतीय नागरिकता है, वो छीन ली जाएगी और हमें बाहर निकाल दिया जाएगा और इसको वापस लेना चाहिए। उन्हें ये भी नहीं पता कि नागरिकता संशोधन कानून है वो मतलब कि लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया, ना कि लोगों की नागरिकता छीनने के लिए बनाया गया। लेकिन कांग्रेस है कि अपनी वोट बैंक की नीति से, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए मुसलमानों को डराने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर वहाँ पर 90% में से 90% छात्र छात्राएं थी और 10% कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कन्हैया लाल जैसे लोगों के समर्थक थे जो उपद्रव फैला रहे हैं, वो 10% लोग ऐसा कर रहे हैं और उन बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर, MU के अंदर, अलीगढ़ के अंदर, मतलब जो जहाँ भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें से 90% चाहते हैं कि उन वहाँ एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाए। और जो 10% उपद्रवी है इन पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की, इन्होंने अपनी रोटियां सेकना है वो शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर अब जिस तरह से दिल्ली के अंदर आगजनी की गई, वहां भी प्रियंका गांधी वाड्रा खुद इन उपद्रवियों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही। जिस तरह से जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कदम उठाया उसको लेकर के देशद्रोही का मुकदमा है वो प्रियंका गांधी वाड्रा पर लगाया जाना चाहिए, और इसके अलावा जो कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के नेता थे उन पर भी देशद्रोही का मुकदमा लगाया जाना चाहिए। उन्हें मुसलमानों को डराने की कोशिश यहाँ की रही है, अफवाह फैलाने की कोशिश यहां की जा रही है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाने के लिए जिस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहां भी कहीं ना कहीं देशद्रोह का मुकदमा है वो इन उपद्रवियों पर लगना चाहिए। जिस तरह से जो खतरनाक संगठन है वो भी कहीं ना कहीं इन उपद्रवियों को सपोर्ट कर रहे हैं, हथियार वगैरह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस उल्फा संगठन है उसने भी कहीं ना कहीं इन उपद्रवियों को सपोर्ट किया है, यानी वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जनता है वो इस तरह से उपद्रव मचाए। आगजनी को लेकर के जिस तरह से जो बयान आ रहे हैं इन कांग्रेसी नेताओं के वो बयान, और दूसरी तरफ इमरान खान जो UN में बोल रहे हैं, इमरान खान अपने भाषणों में बोल रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। यानी कांग्रेस के नेताओं की, आम आदमी पार्टी के नेताओं की, कन्हैया लाल जैसे नेताओं की, लोगों की, देशद्रोहियों की जो भाषा है वही भाषा सेम टू सेम पाकिस्तान की है, या तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन कांग्रेस की भाषा को कॉपी कर रहे हैं, या इमरान खान की भाषा को कहीं ना कहीं पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता है ये है बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर अब जिस तरह से अमित शाह ने भी स्पष्ट कर दिया है कि घुसपैठियों को नहीं बख्शा जाएगा, तो निश्चित तौर पर नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर के भी, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के भी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सत्ता है उसमें कहीं ना कहीं भूचाल आ चुका है, यानी महाराष्ट्र की राजनीति है वो गर्मरा चुकी है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपना बयान दिया है, संजय राउत ने अपना बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत दिखता हुआ नजर आ रहा है कि BJP की फिर एक बार महाराष्ट्र में जीत होगी, अमित शाह फिर से एक बार अपना गेम खेलेंगे। उद्धव ठाकरे हो सकता है कि वहां के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार हो सकता है कि BJP के साथ आए शिवसेना। लेकिन जिस तरह से अपने सामना पत्र के अंदर जो बयान दिया गया है उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत हैं वो मिलने शुरू हो चुके हैं कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत खुद अब
भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस लौटने की राह है, वो देख रहे हैं, रास्ते तलाश रहे हैं कि कौन से रास्ते पर चलें जो कि हम इनके साथ चले जाएं। जिस तरह से कर्नाटका के अंदर गेम खेला गया वही गेम यहाँ शिवसेना ने महाराष्ट्र में खेला, और कर्नाटका का परिणाम जो आया उसको देख करके शिवसेना के होश हैं वो उड़ चुके हैं, और अब अमित शाह के साथ जाने की राह है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे देख रहे हैं। अमित शाह और उद्धव ठाकरे हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र में एक हों। जिस तरह से सोनिया गांधी और बाला साहब ठाकरे की आपस में अनबन थी, जिस तरह से बाला साहब ठाकरे सोनिया गांधी पर तंज कसते थे, उसको कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने अब मिट्टी में मिला करके जरूर रख दिया है। और अब निश्चित तौर पर नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के भी उद्धव ठाकरे पक्ष में खड़े हुए हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा था उस पर भी उद्धव ठाकरे ने कमेंट किए, अपने बयान दिए हैं कि ये बिल्कुल सही कानून है और इसको महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा। पर वो महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये तो अब कांग्रेस तय करेगी, क्योंकि कांग्रेस यदि सरकार सत्ता में रहेगी तो ही ये नागरिकता संशोधन कानून है वो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे बिल्कुल बीजेपी साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं इस कानून को लेकर, लेकिन जो कांग्रेस है वो यदि सत्ता गिराए ही देगी तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे हैं वो इस कानून को महाराष्ट्र में लागू नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप हमें जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सत्ता है वो अब कांग्रेस उसमें क्या कदम उठाने वाली है, क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे और शिवसेना की सरकार है उसको गिरा देगी। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और क्या जो शिवसेना है वो अब वापस देवेंद्र फडणवीस के साथ जाना चाहती है, क्या ये शिवसेना बीजेपी के बीच में दरार थी उसको भरने की कोशिश की जा रही है, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अगले अपडेट अगली न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।